दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में यूं तो आपने कई ऐसी अदाकाराएं देखी होंगी जिन्हें उनके सिंपल लुक के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने सीधे सादे अंदाज और सिंपल लुक से ही अपने किरदारों को पर्दे पर इस खूबसूरती के साथ पेश किया कि सभी इनके कायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ इनमें से कई अभिनेत्रियां पर्दे के पीछे भी अपनी क्यूटनेस से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं और अपनी प्यारी प्यारी और क्यूटनेस से भरी तस्वीरों से दर्शकों का मन मोह लेती हैं। लेकिन कभी कभार इनकी यही कोशिशें इनकी बोल्डनेस पर उतर जाने को मजबूर कर देती हैं। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियां ज्यादा क्यूटनेस के चक्कर में बोल्डनेस पर उतर चुकी हैं, जिनसे आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आखिरकार कौन सी हैं वो अदाकाराएं जिन्होंने ज्यादा क्यूटनेस दिखाने के चक्कर में बोल्डनेस को अपनाया? चलिए जानते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर 1, हिना खान। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार होता है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संस्कारी बहू अक्षरा का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री हिना खान का, जिन्हें जहां एक तरफ अपनी सिंपल और क्यूटनेस से भरी तस्वीरों से दर्शकों का दिल जीतते हुए देखा गया, तो वहीं इस कोशिश में ये कई बार बोल्डनेस पर उतर आई, जो भी ज्यादा क्यूटनेस दिखाने के चक्कर में अक्सर रिवीलिंग ड्रेस कैरी कर लेती हैं, जिससे इनकी क्यूटनेस का तो पता नहीं लेकिन बोल्डनेस साफ झलकती है, जैसा कि इनकी कई शॉर्ट ड्रेसेस के साथ शेयर की गई तस्वीरों में देखने को मिलता है। नंबर 2, अंकिता लोखंडे। सीरियल पवित्र रिश्ता से मशहूर हुई अभिनेत्री अंकिता लोखंडे की बात की जाए तो ये अक्सर अपनी क्यूटनेस से भरी तस्वीरों से खुद को ज्यादा क्यूट दिखाने की कोशिश करती हैं, पर अक्सर इन्हीं कोशिशों की वजह से ये बोल्डनेस पर उतर आती हैं, जिन्हें कई बार डीप नेक ड्रेस के साथ अपनी बोल्डनेस दिखाते हुए भी देखा गया है, जो रिवीलिंग ड्रेस कैरी करने के बाद भले ही ये सोचती हों कि वो बेहद ही क्यूट लग रही हैं, लेकिन असल में इन रिवीलिंग ड्रेस के साथ वो क्यूटनेस पर नहीं बल्कि बोल्डनेस पर उतर आती हैं। नंबर 3, निया शर्मा। इस लिस्ट में अभिनेत्री निया शर्मा का नाम ना आए भला ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि बहुत ही क्यूट दिखाई देती हैं और अपनी इसी क्यूटनेस को और भी ज्यादा दिखाने के चक्कर में बोल्डनेस पर उतर आती हैं, जिसका अंदाजा आप इनकी कई रिवीलिंग ड्रेस के साथ शेयर की गई तस्वीरों से भी साफ लगा सकते हैं, जहां ये शर्ट और रिवीलिंग ड्रेस के साथ अपनी क्यूटनेस नहीं बल्कि बोल्डनेस दिखाती हुई नजर आती हैं, जिनकी इस बोल्डनेस के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस की बोल्डनेस भी कुछ नहीं है। नंबर 4, आयशा सिंह। क्यों चौंक गए ना आप भी, लेकिन ये सच है कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में पाखी का किरदार निभा रही अभिनेत्री आयशा सिंह जहां एक तरफ अपनी क्यूटनेस से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करती हैं, तो वहीं कई बार ये अपनी इन कोशिशों को बोल्डनेस में बदल देती हैं, जिन्हें भले ही बोल्डनेस के मुताबिक क्यूटनेस से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए देखा जाता हो, लेकिन कई बार इन्हें क्यूटनेस के चक्कर में बोल्डनेस पर उतरते हुए देखा गया है। नंबर 5, शिवांगी जोशी। इस लिस्ट के 5वीं कड़ी में नाम शुमार है ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री शिवांगी जोशी का, जिन्हें हमेशा से अपनी क्यूटनेस से दर्शकों को कायल करते हुए देखा गया है, लेकिन कई बार ज्यादा क्यूटनेस दिखाने के चक्कर में शिवांगी जोशी को भी बोल्डनेस पर उतरते हुए देखा जा चुका है, जिन्हें कुछ समय पहले ही अपनी ब्लैक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन वाली शॉर्ट ड्रेस में बोल्डनेस से दर्शकों को अट्रैक्ट करते हुए देखा गया था, जिनके इस अट्रैक्टिव लुक पर नेट यूजर्स ने भी जमकर कमेंट किए थे। नंबर 6, श्रद्धा आर्य। जाहिर सी बात है कि इस लिस्ट में कुंडली भाग्य सीरियल में प्रीता का सीधा साधा किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री श्रद्धा आर्य का नाम सुनकर तो आप हैरान हुए ही होंगे, लेकिन ये सच है कि अपनी क्यूटनेस से दिल जीतने वाली अभिनेत्री श्रद्धा आर्य भी कई बार ज्यादा क्यूटनेस दिखाने के चक्कर में बोल्डनेस पे उतर आई हैं। इन्हें कई बार पिंक और ब्लैक जैसे कई अट्रैक्टिव कलर की शॉर्ट ड्रेसेस में फोटो शूट करवाते हुए देखा जा चुका है, जहां ये क्यूट तो नहीं दिखाई देती लेकिन अगर इन्हें बोल्डनेस की क्वीन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। वेल, दोस्तों, क्यूटनेस के चक्कर में बोल्डनेस पर उतर जाने वाली इन टीवी एक्ट्रेसेस में से आप किसके फैन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।